मेरे अजीज और भाई दोस्तों, आदमी पैदा होने के बाद उसका सफर मौत की तरफ शुरू हो जाता है। वो रोजाना अपनी दुनिया से दूर और अपने मौत के करीब होता जाता है। और मौत ऐसी चीज है कि जिसके साथ मौत लगती है उसको मिट्टी बना देती है, और मौत ऐसी हकीकत है कि जिसका कोई इंतजार नहीं कर सकता। दो चीजें पक्की थकी है, एक मौत का आना यकीनी है और दूसरा मौत का अचानक आना भी यकीनी है। कि मौत किसी को कहकर नहीं आती और मौत किसी को बख्श देती है। अगर मौत से कोई बख्शा जाता तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम ऐसे थे कि उनको बख्शा जाता। कि इस कायनात में सबसे ज्यादा पसंदीदा अगर कोई जात है अल्लाह के वहां तो नबी अलैहिस्सलाम की जात है। अल्लाह पाक ने जब अपने नबी अलैहिस्सलाम को यह फरमाया कि तुम जितना जीना चाहे जी लें, एक दिन आपको भी मर जाना है, उन्हें इख्तियार दिया था कि आप मौत को पसंद करते हैं, आप हमारे पास आने को या दुनिया में रहने को पसंद करते हैं। फिर बात यह फरमाई कि चाहे आप जितना भी रह लें लेकिन आपको हमारे पास आना है, ऐश्मा शी तो फैन कर। तो बहरहाल मौत तो हर एक को आनी है। तो अभी तो भाई दोस्तों बुजुर्ग हो, ये उसी की तैयारी, उसी को समझना समझाना, ये उसी की मेहनत और फिक्र हो रही है। किताबों में आता है कि जब कयामत कायम होगी उससे पहले अल्लाह पाक सभी चीज़ों को मौत दे देंगे। कयामत कायम होगी, सब चीज़ें दुनिया फना हो जाएगी, अल्लाह ज़मीन को ख़त्म कर देंगे और समंदरों में अल्लाह आग लगा देंगे और इन पहाड़ों को रुई के गालों की तरह बनाकर अल्लाह उड़ाएंगे। फिर पहले आसमान के फरिश्तों को अल्लाह मौत देंगे, फिर दूसरे, फिर तीसरे। जब सारे फरिश्ते मर जाएंगे तो अल्लाह पाक रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते से पूछेंगे कौन बचे हैं, तो जवाब ये कहा जाएगा कि हम चार फरिश्ते जो बड़े फरिश्ते हैं, जिब्राइल, इज़राइल, मीकाईल, इस्राफ़ील, और चार वो फरिश्ते जिन्होंने अल्लाह का अर्श उठाया हुआ है वो बचे हैं। फिर उसके बाद हुक्म होगा कि इनको भी ख़त्म कर दो, तो फिर वो भी मौत उनको भी दे दी जाएगी। फिर आखिर में इसराफ़ील, इज़राइल बचे होंगे तो अल्लाह पाक उन्हें भी कहें, उनको भी कहेंगे जो सब के रोकअप करते हैं कि तू भी मर जा, इसलिए कि तू भी मेरी मखलूक में से मखलूक है। फिर अकेले अल्लाह बचेंगे और अल्लाह एक आवाज़ से ये पूछेंगे कि आज किसके हुक्म थे, ले मंगी मुल्क क्यों, आज किसके हुक्म थे कि अल्लाह के अलावा किसी को बका है ही नहीं। और अल्लाह से पूछेंगे कि कहाँ है वो जालिम और जाबिर बादशाह, ऐन अल मुल्क, ऐन अल जबाबरा, कि वो सब जो ज़मीन पर तूफान मचाए हुए लोग थे वो सब कहाँ हैं। वो दो दिन आने वाले हैं, इसलिए ये बातें समझाई हमें कि ये सब चीज़ें बख्शी नहीं जाएगी, कोई चीज़ छोड़ने वाली नहीं है। तो हम कौन सी मखलूक है, हमारे यहाँ कहावत है छः पिद्दी छः पिद्दी का शोरबा। पिद्दी बहुत छोटा सा परिंदा होता है, अगर उसको कोई पकाए तो उसमें से कितना शोरबा निकलेगा, कुछ नहीं। जब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को फना हो जाना है तो हम और आप तो रोज़ मौत के करीब जा रहे हैं, और हमारा हाल तो ये है कि अगर हमें थोड़ी सी सर्दी लग जाए तो हम बीमार हो जाते हैं, थोड़ी सी गर्मी लग जाए तो हम बीमार हो जाते हैं, थोड़ी सी बारिश हो जाए तो हम बीमार हो जाते हैं, हमारी हालत बिगड़ जाती है। तो फिर अगर मौत का झटका जाएगा तो हमारा तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसके लिए ये बात समझाई जाती है कि इस चीज़ का जहन में इस चीज़ का इस्तेहज़ा रहे कि रोज़ाना हम अपनी मौत की तरफ जा रहे हैं और मौत अचानक आ जाएगी और पता नहीं कोई हमें मिट्टी भी डाल सकेगा कि नहीं डाल सकेगा।
कोई हमें दफन भी कर सकेगा कि अभी हमारे यहाँ के शहर के बड़े माशाल्लाह जिम्मेदार हमारे शहर का, ना हम उन्हें दफन कर सके, ना हम उनको मिट्टी दे सके, ना हम कफन पहना सको। वतन से दूर मीलों दूर जाकर दफन हो गए। हम लोग हमें दो तीन मरतबा हो गया सहेल नाज अयोध्या हमारी मस्जिद के छदे भी वही है असलम मल्ला वो है तो घन शहीद है, लेकिन हमारी मस्जिद में अक्सर वो होते हैं क्योंकि वो उसी जमात के साथ वही हैं। तो इसलिए ये है कि हमें नहीं पता कि हमें कोई मिट्टी भी डाल सकेगा या नहीं डाल सकेगा, हम कौन से दया में दुनिया से चल न दफन हो जाएंगे, हमें भी नहीं पता। वैसे अल्लाह के रास्ते की मौत बड़ी मुबारक मौत है, बहुत ही मुबारक मौत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमन्ना जाहिर की कि अगर मुझे मौत आए तो मुझे अल्लाह के रास्ते की मौत आए। फिर फरमाया कि मुझे अल्लाह दोबारा ज़िंदगी दे और मुझे दोबारा ज़िंदगी मिले और मैं मरूँ तो अल्लाह के रास्ते में ही मरूँ। उख्तर सुम्मा उलिया फिर मुझे ज़िंदगी मिले, फिर मैं अल्लाह के रास्ते में मरूँ। एक रिवायत में आता है 4 मरतबा हमारे नबी ने अपने रास्ते की मौत मांगी और एक रिवायत में आता है 7 मरतबा। मरना तो है बहरहाल सभी को है ही, खुशकिस्मत वो है जिन्हें अच्छी मौत मरना नसीब हो जाएगी। तो माशाल्लाह अल्लाह के रास्ते की मौत, वैसे नफ्स मुसाफिर की मौत, गरीबुल वतन परदेश की मौत, वो भी शहादत की मौत है। फिर वो परदेसी अल्लाह के रास्ते का परदेसी तो वो तो और बड़ी अल्लाह के रास्ते की मौत है। फिर जुमा का दिन माशाल्लाह नसीब हुआ और माशाल्लाह पूरे मुल्क के पुराने लोगों ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ी, पूरे मुल्क का इज्तिमा था तो उनके इज्तिमा में नमाज जनाजा हुई। तो मरना तो है ही, तो पता नहीं कौन कहाँ जाकर मर जाएगा। तो बस बात तो ये है कि खुशकिस्मत आदमी वो है कि जिसका मरना अच्छा हो जाए। अगर मौत अच्छी आ जाए तो मौत से अच्छी कोई चीज़ नहीं। अगर मौत अच्छी आ जाए तो मौत से अच्छी कोई चीज़ है ही नहीं, वो सीधा हमारे दोस्त अल्लाह से हमको मिला देगी। तो मौत तो अल्लाह से मिलाने वाली चीज़ है, लेकिन जिसकी तैयारी ना हो उसके लिए मौत से बड़ी बुरी कोई चीज़ नहीं है, बहुत ख़तरनाक चीज़ है, बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है अगर जिसकी तैयारी नहीं हुई है। तो किताबों में आता है उसकी रूह ऐसे कब्ज की जाती है जैसे एक रेशम का कपड़ा कांटे वाले दरख्त पर किसी ने डाल दिया हो, कांटों के दरख्त पर किसी ने रेशम का कपड़ा डाल दिया, फिर उसके बाद उस रेशम के कपड़े को यूँ खींचे तो वो रेशम का पूरा कपड़ा उसमें फंस जाता है, एक एक ताना ताना उसमें फंस जाता है और मुश्किल से वो छूटता है। ऐसे ऐसे उस आदमी के रूह कब्ज होती है जो मौत की तैयारी नहीं करता, और जिसकी मौत की तैयारी होती है उसके रूह कब्ज ऐसी होती है जैसे आटे में से बाल निकालो, आटा है हम आटा को गूंथते हैं उसमें बाल है उसको निकालो आसानी से निकल जाता है। और जिसकी तैयारी नहीं होती उसके लिए मिसाल ये दी गई कि जैसे रेशम का कपड़ा बेड़ी के उस पर डाल दिया हो, इसलिए अल्लाह से बहुत डरना है और अपनी मौत की तैयारी कर रही है, ये उसी के अमल की तरफ रहबरी है। आप जो पर्चा रहे हैं वो उन्हीं चीज़ों की रहबरी के लिए, हम जो कि इस दुनिया में जीते हैं मुख्तलिफ चीज़ों से हमारा पाला और वास्ता पड़ता है, उसमें एक बहुत बड़ी बात है हमारा कारोबारी मशगला, उसमें एक बहुत बड़ा मशगला जो है वो ज़मीनों के लेन देन का है, ज़मीनें लेन देन उसकी दलाली, तो उसमें कौन सी शक्लें हमारे लिए नफ़े वाली है, कौन सी शक्लें हमारे लिए नुकसान वाली है, उन्हीं बातों की रहबरी आज हमारे यहाँ के उलमा ने उसी के मुतालिक रहबरी फरमाई जिसको मैं पढ़ देता हूँ। आजकल हमारे शहर में ज़मीनों और मकानों के भाव आसमान को छू रहे हैं, अमीर ज़्यादा अमीर हो रहा है और गरीब ज़्यादा गरीब हो रहा है। उसकी बड़ी वजह जो तहकीक करने से मालूम हुई वो ये है कि शहर में ज़मीनों और मकानों की दलाली करने वालों की एक बड़ी जमात वजूद में आ गई है जो अपनी दलाली के चक्कर में ज़मीनों और मकानों के भाव झूठ बोलकर बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। सुनने में तो यहाँ तक आया है कि बाकायदा बनावटी खरीदार को तैयार करके महंगी कीमत पर ज़मीनों और मकानों को खरीदा और बेचा जा रहा है, किसी जगह किसी अमीर ने प्लॉटिंग की, अब प्लॉट की कीमत बढ़ जाए इसके लिए खरीदार को बनावटी तौर पर महंगी कीमत पर तैयार किया जाता है और उसकी कीमत सबको दिखाकर दूसरों को धोखा दिया जाता है। हदीस शरीफ में उसके सख्त वमानत आई है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजश से मना फरमाया। नजश का माना उलमा ने लिखा है कि कोई ऐसा आदमी जिसका इरादा बिल्कुल खरीदारी का नहीं है मगर दूसरा शख्स महंगी कीमत में खरीदे
और धोखे में पड़े इस नियत से बेचने वाले के साथ सांड गांड करके चीज मकान जमीन का भाव ज्यादा लगाता है। उलमा ने इसको खयानत और धोखे की धड़ी, खयानत और धोखा धोखा के धड़ी के फहरिस्त में शामिल किया है। और इसी हदीस के ज़रिए में फतहुल बारी में लिखा है अब्दुल्लाह इब्न अबी औफा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि धोखा धड़ी करके भाव बढ़ाने वाला, सूद खाने वाला और खयानत करने वाला है। उसी हदीस के ज़रिए में फतहुल बारी में कैस इब्न साद की हदीस नकल की है कि अगर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये न सुना होता कि मकरो फरेब करने वाले और धोखा बाज की जगह जहन्नम में है, तो मैं सबसे ज्यादा मक्कार और चालबाज होता। आजकल हमारे शहर में यही हो रहा है, मकरो फरेब, धोखा धोखा धड़ी और बात बात में झूठ का सहारा लेकर दलाल लोग शहर में भाव बढ़ा रहे हैं। जो लोग ज़मीनों की खरीदो फरोख्त करते हैं उन्हें हर वक्त यह हदीस ध्यान में रखनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ ताजिरों की जमात और से सुनो, और से सुनना कि ताजिर लोग कल कयामत के दिन बदकार होने की हालत में उठाए जाएंगे। बदकार कहते हैं जो औरत अपनी इज्जत को बेच देती है, कि ताजिर लोग जो उसको फजूर करेंगे उनके लिए माल खर्चा, कि ताजिर लोग कल कयामत के दिन बदकार होने की हालत में उठाए जाएंगे। हाँ, मगर वो ताजिर जो मुत्तकी बनकर भलाई और सच्चाई से तिजारत करें, लिहाजा ताजिर हजरात खयानत और झूठ से बचें। फतवा बनी गांव में लिखा है कि झूठ बोलकर ग्राहक को देकर नफा कमाना जायज नहीं, यानी ग्राहक को कीमत ग्राहक को कीमतें खरीद ज्यादा बताकर जिस महंगी खरीदने पर राजी करना झूठ होने की वजह से ना जाएगी है। एक आदमी ने 10 रुपए की चीज ली और मुझे कहे कि भाई मुझे पड़तर ही 12 में है, तो वो 12-2 रुपए खरीदारी को ज्यादा बता रहा है कि मुझे 10 की बजाय 12 में पड़ा है, तो उसने 2 रुपए के लिए झूठ बोला। तो ये लिखा उसमें लिखा ग्राहक को धोखा देकर नफा कमाना जायज नहीं, यानी ग्राहक को कीमतें खरीदारी ज्यादा बताकर चीज महंगी खरीदने पर राजी करना झूठ होने की वजह से नाजायज है। और जितनी आमदनी झूठ और धोखे से हासिल हो वो हलाल भी नहीं है। हर ग्राहक को कीमत बताना भी जरूरी नहीं, कीमतें खरीद बताए बगैर बेचने वाला जितना भी मुनासिब नफा रखना चाहे रख सकता है। इसलिए कि शरीयत मुतहरा में उमूमी हालात में यानी गल्ला और गिज़ा वगैरह की कमी न हो तो खाने के अलावा दीगर चीज़ों के मुनाफे की कोई हद मुकर्रर नहीं फरमाई। जो जितना चाहे नफा ले सकता है मगर झूठ न बोले। बाहमी रजामंदी से जिस कीमत पर सौदा हो जाए वो जायज़ है, फिर भी ताहम मुसलमान की खैरख्वाही का जज्बा मलहूज रहना चाहिए कि हम नफा तो ले सकते हैं लेकिन मुसलमान को राहत पहुँचाना इसका ख्याल करना चाहिए। इसलिए कि किसी सादा लोह ग्राहक को इतनी कीमत लगा कर बेचना कि जिसमें धोखे का पहलू आता हो दुरुस्त नहीं है। दलाली के चंद मसाइल, महज घर और प्लॉट दिखाने की वजह से दलाली की रकम वाजिब नहीं होती कि खाली किसी ने दिखा दिया कि जमीन है या प्लॉट है। दूसरा, दलाल जब तक सौदा मुकम्मल नहीं करवाएगा दलाली की रकम वाजिब नहीं होगी। एक दलाल ने घर या प्लॉट दिखाया, सौदे की बातचीत भी हुई मगर सौदा मुकम्मल नहीं हुआ और दूसरे किसी दलाल ने सौदा मुकम्मल करवाया तो पहला दलाल दलाली की रकम का मुस्तहिक नहीं होगा। नंबर 4, खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों तरफ से दलाली की रकम लेना जायज है। जो आदमी दलाली के पेशे में मशहूर न हो उसे मामला करने से पहले आपस में दलाली की रकम तय करना जरूरी है, तभी दलाली की रकम का मुस्तहिक होगा वरना नहीं। यानी नंबर 5, बाज़े हज़रात ऐसा करते हैं कि दलालों के जरिए पूरी बातचीत कर लेते हैं, फिर जब बात मुकम्मल बन जाती है तो दलाली न देनी पड़े इसलिए दलालों को अलग करके सीधे सीधे सौदा कर लेते हैं। ये सरासर धोखा और खयानत है, उसकी वजह से सौदे में बरकत नहीं होगी। बाज़ दलाल अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए बेचने वाले को कम कीमत बताते हैं और खरीदने वाले को ज्यादा,
फिर दोनों से अलग अलग कीमत तय करके बीच की रकम अपने पास रख लेते हैं, जिसको हमारे यहाँ कटिंग दलाली से पहचाना जाता है, वो रकम लेना जायज नहीं क्योंकि वो झूठ बोलकर हासिल की गई। अल्लाह ताला हमें गरीबों की रियायत करते हुए भाव तय करने की तौफीक अता फरमावे। और एक बात फरमाई कि निकाह के मौके पर सहूलत हो, मस्जिद में आते जाते वक्त शोरगुल खिलाफ शरीयत काम न हो। इस गर्ज से हमारे उलमा ने बरसों पहले ये इंतजाम किया था कि निकाह दुल्हा के मोहल्ले की मस्जिद में हो। इस निजाम को बाकी रखना है, इसलिए बगैर मजबूरी अपने महल्ले की मस्जिद के अलावा दूसरी मस्जिद में निकाह के लिए न जाएं। अल्लाह हम की तौफीक।